लगातार बात करें तो ड्रग्स माफियाओं के खिलाफ जिस तरह से एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के नेतृत्व में कार्रवाई की जा रही है, हालांकि अब इस मामले को लेकर सियासत भी गरमाई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि हाल ही में समीर वानखेड़े ने जासूसी करने का आरोप मुंबई पुलिस पे लगाया है, जिसको लेकर अब सियासत जो है गर्म है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता राम कदम ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर महाविकास आघाड़ी सरकार ड्रग्स माफियाओं को क्यों बचाना चाहती है और वो समीर वानखेड़े की जासूसी मुंबई पुलिस से क्यों करवा रही है, क्या वजह है, आखिर उनको क्यों चाहिए कि समीर वानखेड़े किस पर कार्रवाई करने जा रहे हैं, कहां पर छापेमारी करने जा रहे हैं, इसकी जानकारी महाविकास आघाड़ी सरकार के नेताओं को क्यों चाहिए। एनसीबी के अफसर समीर वानखेड़े जी ने पुलिस से शिकायत की है कि कुछ लोग उनके पीछे निगरानी, जासूसी, उनके हर पल पल की खबर रखने के लिए लोग लगाए गए हैं। अब सवाल यह उठता है कि ये कौन लोग हैं कि जो उनके हर पल पल की खबर जासूस की तरह रखना चाहते हैं, उस कारण वे उनके पीछे हैं। जो जानकारी सामने आ रही है वह बताती है कि महाराष्ट्र सरकार ने ही पुलिस का गलत उपयोग करते हुए उन्हें उनके पीछे लगाया है। हमारा इन तीन दलों से सवाल है, क्या यह सच है? एक ओर ड्रग माफिया के विरोध में कार्रवाई करने वाले एनसीबी के अफसरों का समर्थन करते हुए सारा देश खड़ा है और ये महाराष्ट्र की सरकार उन्हीं पर टूट पड़ रही है, उनकी जासूसी की जा रही है। वो कहां रेड करेंगे, कब रेड करेंगे, किस पर रेड करेंगे, क्या ये जानकारी आप पहले जानना चाहते हो ताकि उन ड्रग माफिया को बताया जा सके? ये ड्रग माफिया महाराष्ट्र सरकार के लगते कौन है? इनका रवैया इन्हें शक के कटघरे में खड़े करता है। जिस प्रकार से वाजे वसूली कर रहा था, क्या वैसे इन माफिया की ओर से भी बड़े पैमाने पर वसूली इनको आ रही है? क्या वही कारण है कि एनसीबी के अफसर कहां जाएंगे, कहां रेड करेंगे, इसकी जानकारी वे पहले जानना चाहते हैं? इन बातों का जवाब महाराष्ट्र की सरकार को